हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से फ्राई फिश बनाना सिखाएंगे। इसमें हम बहुत कम मसाले यूज़ करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्राई फिश बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये है। हमने यहाँ पर 1 किलो रोहू फिश ली है, जिसे हमने 1/2 कप सिरका लगाकर 20 से 25 मिनट रेस्ट पर रख दिया था। सिरके से फिश की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इवन आप जिस ऑयल में इसे फ्राई करेंगे उसमें भी स्मेल नहीं आएगी। इसके बाद हमने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने इस पर 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी अजवाइन लगाकर इसे छलनी में डालकर 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। वन टेबलस्पून हम गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1/2 कुटा जीरा 1/2 टेबलस्पून, अजवाइन 1 चुटकी, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। सॉल्ट हमने ऑलरेडी इसमें लगाया हुआ है, इसलिए हम 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, इमली का पल्प हमने लिया है 1 टेबलस्पून। तो चले अब हम फिश बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे और इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, इमली का पल्प भी हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी के तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। गार्लिक पेस्ट अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से और फिश के पीस को हम इसमें डिप कर अच्छे से इसे कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम सारे फिश के पीसेस को कोटिंग कर लेंगे। फिश पे अच्छे से मसाला लग चुका है, अब हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने फिश को ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। ये देखिए, इस पे बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में तेज़ आंच पर ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। ऑयल गरम हो जाएंगे अब हम इसे फिश ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे फ्राई होने देंगे। फिश अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई होने के लिए रख देंगे। हम इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। फिश दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छा इस पर कलर आ गया है। अब हम इसे पेपर टॉवल पर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि फिश पे जो हमने मसाला लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं उतरा है। अब हम बाकी के पीसेस भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई फिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस पर चाट मसाला और लेमन डाल के सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।